हेलो एवरीबॉडी क्या है दिस इज एंड आई वेलकम यू ऑल अगेन टू द ग्रुप चैनल मैंने एक रियल एस्टेट पे एक वीडियो अपलोड किया था पिछले लास्ट एक दो हफ्ते पहले उसे मैंने बताया था किस तरीके से आप या मैंने पहली प्रॉपर्टी परचेस की थी विदाउट इन्वेस्टिंग एनी मनी मैंने जब पहला एक कमर्शियल शॉप परचेस किया था तो काफी लोगों ने उसको सपोर्ट किया वीडियो को काफी लोगों को का पसंद आया तो मैंने ये सोचा और हमारा ये कैटलेस इन्वेस्टर्स का ग्रुप है आपको पता है उसमें अराउंड डेढ़ लाख लोग हैं टेलीग्राम पे ग्रुप है फ्री ग्रुप है बहुत सारे लोगों की डिमांड है कि सर रियल स्टेट पे आप और ऐसे हैक्स बताओ जो हमें सीखने को मिले क्योंकि हम लोग बहुत सारे लोग हैं जिनको रियल स्टेट से ज्यादा नॉलेज है नहीं और तो मैंने सोचा ठीक है मैं एक दस वीडियो की सीरीज बनाता हूँ फ्री सीरीज है तो वो कैटलेस इन्वेस्टर्स ग्रुप पे जितने भी लोग हैं उनको मैं अवेल कराऊंगा उस सीरीज को दस वीडियोज की जो रियल स्टेट से रिलेटेड होंगे आप जरूर उस ग्रुप को ज्वाइन करना और आज भी मैं एक ऐसा ही वीडियो लेके आया हूँ ग्रुप का लिंक आपको पहले वाले कमेंट मिल जाएगा उसको ज्वाइन कर लेना इन्वेस्टर्स के नाम से सर्च भी कर सकते हो आप जब टेलीग्राम खोलोगे सर्च कर लेना एक ही ग्रुप है जो सही है उसमें डेढ़ लाख से ऊपर लोग हैं बाकी बहुत सारे फेक है तो मैंने सोचा आज एक और वीडियो बनाते हैं काफी डिमांड थी कि भाई लैंड परचेस करनी है बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हमें जमीन परचेस करनी है बट हमें पैसा नहीं है हमारे पास इतना बड़ा अमाउंट है नहीं हमारे पास और हमेशा एक चीज ध्यान रखो लैंड जो होती है अगर आप अच्छे रिसर्च के साथ अच्छे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ उसको खरीदते हो तो वो जरूर अप्रिशिएट करती है सही टाइम पे बेचना भी एक कला का, है हमेशा इस चीज को ध्यान रखना जैसे स्टॉक मार्केट में होता है ना मैंने आपको हमेशा बताया कि आप शेयर जब खरीदते हो फिर बेचना भी इंपॉर्टेंट होता है टारगेट सेट करके वैसे ही लैंड के लिए होता है कभी कभी क्या होता है बहुत सारे लोग लैंड दबा के रखते हैं जमीन खरीद लेते हैं और बहुत टाइम तक वो जमीन रखे रहते हैं और जमीन की वैल्यू इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो अपने सेचुरेशन लेवल पे आ जाती है और लेवल पे कोई जमीन खरीदना नहीं चाहता बहुत सारे लोग नहीं खरीदना चाहते हमेशा हर इंसान जमीन तब खरीदना चाहता है जब वो उसको खरीद के आज दस बारह साल में उसको अच्छा डबल करके या ट्रिपल करके उसको बेच पाए हमेशा लोग यही सोचते आ रहे हैं जमीन से अच्छी वैल्यू निकल के आती है आज एक ऐसे ही मैं आपको हैक सिखाने वाला हूँ जिसमें आपके रुपए इन्वेस्ट नहीं होंगे बट आपको जमीन जो प्लॉट है वो आपके नाम हो जाएगा आपको मिल जाएगा और ये रियल स्टेट पे ये जो हैक मैं आज आपको बताने वाला हूँ बहुत ज्यादा यूज होता है मैं आपको बताऊं जो भी बिल्डर्स सेल ऑफ करते हैं अपने प्लॉट जो प्लॉटिंग करते हैं अराउंड सेवेंटी परसेंट जो सेल होती है वो इसी हैक के थ्रू होती है जो कि रियल एस्टेट के एजेंट्स को पता होता है और वो इस हैक का यूज करते हैं आपने देखा होगा बहुत सारे एजेंट्स होते हैं उनके पास खुद के भी प्रॉपर्टीज होते हैं आपको यार ये तो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं इनके पास इतनी प्रॉपर्टी कैसे होगी तो वो इस हैक का अच्छा यूज करना चाहते हैं क्योंकि वो इस फील्ड में अच्छे माहिर होते हैं तो आज हम उसी हैक की बात करेंगे ऐसे बहुत सारे हैक है जो सीरीज में मैं आपको बताता रहूंगा तो कैसे करना है वो भी समझाऊंगा क्या क्या चीजें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है सब चीजें आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा जिससे आप लोग इसी एज में प्रिपेयर हो जाओ मैंने हमेशा बोला मैं ये चाहता हूँ कैटलेस मैंने जितने लोग जुड़े हैं मेरा अब यही एम है कि वो अपने ऊपर मतलब वो सारी चीज़ें सीख पाए जो मैं मुझे आती है एटलीस्ट मैं कोशिश करूंगा आप तक पहुंचाने की ठीक है स्टार्ट करते हैं मान लो आपको एक प्लॉट खरीदना है अब आपका मन हुआ कि यार प्लॉट खरीदते हैं पैसे हैं नहीं अपने पास मन हो गया

छोटे सिटीज मेट्रो सिटीज डेवलप हो चुकी है दिल्ली डेवलप हो चुका है आउटर भी उसका डेवलप हो चुका है बड़े सिटीज में जाओगे वो डेवलप हो चुके हैं बट जो नॉर्मल सिटीज है वो अभी डेवलपिंग स्टेज पे है वो ग्रो कर रहे हैं वो एक्सपैंड कर रहे हैं उनमें नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं तो आपने क्या कर रहा है आपने एक जहां भी आप रहते हो या आसपास से कोई भी नॉर्मल एरिया आपने पकड़ा वहां पे आपने देखा ये जो एरिया है ये किधर की तरफ एक्सपैंड ज्यादा कर रहा है लोग किधर की तरफ ज्यादा एक्सपैंड हो रहे हर सिटी में हर एरिया जो एक्सपैंड होता है वो एटलीस्ट दो हो तो क्योंकि आप पहली बार उस फील्ड में उतर रहे हो तो आपको बिल्डर के प्लॉट खरीदने में ज्यादा प्रेफरेंस करनी चाहिए बिल्डर जो प्लॉटिंग कर रहा है मैं उसको खरीद लेता हूं एग्रीकल्चर लैंड देखो टाइटल जरूर देखना होता है एग्रीकल्चर लैंड और सब आपको नहीं पढ़ना क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें होती जो आप अभी नहीं कर पाओगे आगे चल के जब आप बहुत ज्यादा चीजें करने लग जाओ तब हम लोग से खरीद लेते हैं बट आपको नहीं खरीदना आपको नॉर्मल प्लॉट खरीदना है आपने क्या करना है आपने एक बिल्डर पकड़ना है उस बिल्डर का पूरा जो भी प्लॉटिंग हो रही है तीन चार बिल्डर निकाल लो उन बिल्डर की हिस्ट्री देखो बिल्डरों की हिस्ट्री बिगड़ी हुई होती जाता है तो जो अच्छी हिस्ट्री का बिल्डर हो जिसने सही टाइम पे चीज़ें दी हो, सही रेट पे दी हो, उसकी हिस्ट्री आपको पता लग जाएगी आप थोड़ा भी रिसर्च करोगे दो तीन प्रॉपर्टी डीलर से ही बात कर लोगे, वो बता देंगे आपको ठीक है तो आपने एक ऐसे ही बिल्डर चूज कर लिया और वहां पर आपने प्लॉट देख लिया कि भाई इस प्लॉट को मुझे लेना है उस प्लॉट के पेपर्स वगैरह मंगाए जो वो अप्रूवल देख लिया कि भाई डेवलपमेंट अथॉरिटी से अप्रूव्ड है या नहीं है पेपर वगैरह मंगाए एक वकील के पास गए वकील दो तीन चार हजार आपसे लेगा कम भी ले सकता है दो हजार में आपका काम कर देगा देख लेगा वो सारे पेपर्स वेरीफाई कर देगा वकील जनरली इथिकल काम करते हैं जो नहीं करते उनकी बात अलग है बट जनरली जो आपको मिलेंगे वो इथिक्स के साथ काम करते हुए दिखेंगे एटलीस्ट क्योंकि उन्हें पैसा दे रहे हो आपने पेपर वेरीफाई करा लिया आपको समझ में आ गया कि यार ये जो प्रॉपर्टी है दिस इज फाइन आई कैन गो फॉर इट बट अभी आपके पास पैसा नहीं है

इन्वेस्ट किया है तो मैं रिसर्च करके इन्वेस्ट कर रहा हूँ और किसी के पास पैसा है और वो इन्वेस्ट करना चाहता है तो मैं अगर उसको बोलूंगा उसको ये दिखेगा कि भाई इसने भी इन्वेस्ट किया है तो वो ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट करेगा उसको लगेगा भाई ठीक है इट्स फाइन इसी चीज का खेल जो है वो रियल स्टेट में खेला जाता है आपने क्या करना है अब आपने उस बिल्डर के पास जाना है बिल्डर आपसे नहीं मिलेगा जो बिल्डर के साथ जो काम करता होगा वो मिल जाएगा आपने वहां पे अपना ऑफर रखना है कि भाई आपने मैंने आपका प्लॉट लिया मुझे सही लगा मैं आपका प्लॉट ले रहा हूं आपको मैंने बुकिंग अमाउंट दे दिया पंद्रह हजार रुपए का मुझे डेढ़ महीना नहीं मुझे टाइम चाहिए छह सात महीने का पांच छह महीने का टाइम चाहिए बट इस चीज की मैं बात करता हूं कि मैं यहां आपके आठ दस बारह प्लॉट निकलवा दूंगा अब आपको क्या करना है अब आपको अपनी नेटवर्किंग का यूज करना है नेटवर्किंग ऐसी चीज है जो इंसान को वो चीजें दिला देती है जो वो इमेजिन भी नहीं कर सकता ये एक रियलिटी है अब आपको अपने जो भी जान पहचान के या आपके रिश्तेदार जो आपको लगता है कि इन्वेस्ट कर सकते हैं आप सोशल मीडिया का भी यूज कर सकते हो क्योंकि आपने खुद वहां पर इन्वेस्टमेंट किया है तो लोग भरोसा कर रहे हैं ऑब्वियस भी बात है बेवकूफ आदमी तो नहीं है किसी को उल्लू बना रहा खुद ही पैसा लगा के है ना तो आपने क्या करना है आपने लोगों को अप्रोच करना है बिल्डर्स भी आपकी हेल्प कर देंगे इन चीजों में अगर आपको कहीं जाना है वो भी हेल्प कर देंगे ऑब्वियसली बात है यू आर वर्किंग फॉर देम रेफरल का जो अमाउंट होता है जनरली दो तीन परसेंट जो होता है वो बिल्डर फिक्स कर देते हैं कि भाई ठीक है पर प्लॉट आपको एक परसेंट दो परसेंट में फिक्स कर दूंगा जो भी अमाउंट होगा अब आपने क्या कर रहा है जो भी प्लॉट का अमाउंट है उस अमाउंट तक अपना रेफरल सिस्टम के थ्रू जो अमाउंट आपने कमा रहे हो वो पहुंचाना है मतलब बिल्डर का अगर प्लॉट बिक रहा है और उस प्लॉट पे अगर वो लाख का प्लॉट है उस प्लॉट पे अगर आप 2 कमीशन लेते हो तो आपको एक डेढ़ लाख रुपए का कमीशन मिल जाता है इस तरीके से अगर आप बहुत सारे प्लॉट निकलवा देते हो और वो जो इंसान जिसने प्लॉट खरीदा है, वो भी दस लोगों को बोलेगा तो वो भी कहीं कही ना कहीं आपके लिंक में ही आ जाएगा अगर आप उसको बोलते हो ये बहुत ज्यादा मैं बता रहा हूँ रियल स्टेट में मैक्सिम सेल जो होती है वो इसी पे होती है रियल एस्टेट में और किसी चीज पर सेल नहीं होती रियल एस्टेट पे जो एजेंट है जो पैसा कमाते हैं जो अन कर रहे हैं वो इसी रेफरल पे ही कर रहे हैं वो कोई मार्केटिंग नहीं करते फिरते अपने सर पे बोर्ड लगा के नहीं घूमते वो सब रेफरल पे चलता और इसीलिए जो बहुत सारे एजेंट्स होते हैं वो भी अपना जो प्रॉपर्टी है वो बना लेते हैं इसी वजह से कि वो बेच रहे हैं और बिल्डर को बोलते भाई ठीक है मैं आपको पत्र पचास प्लॉट बिकवाता हूँ पचास प्र, फ्लैट बिकवाता हूँ एक फ्लैट बराबर मेरा हो जाएगा बिल्डर भी कहता है ठीक है भाई मेरा क्या जा रहा है कमीशन तो उसको देना ही है इस बंदे को नहीं देगा दूसरे बंदे को देगा कमीशन देना ही होता है तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो आप बार बार प्लॉट निकलवा के उसका जो कमीशन है वो बिल्डर के साथ बता सकते हो बिल्डर उस लेवल तक जब पहुंच जाएगा तो आपको अपने आप हैंडओवर कर देगा आपके नाम पे रजिस्ट्री करा देगा बुकिंग अमाउंट आपने दे रखा है रजिस्ट्री अमाउंट आपको देना पड़ेगा जो भी अमाउंट होगा तब तक, तक आप कर चुके होंगे ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने ये काम किया है और जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बनाई है बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं बता रहा हूं आपको और ये मैक्सिम 70 परसेंट रियल एस्टेट की सेल इसी चीज के ऊपर होती है वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप अगर प्लॉट लेना चाहते हो और आपके पास पैसा नहीं है तो इस केस में आप इस चीज का यूज करके रेफरल सिस्टम का यूज करके रियल एस्टेट में भी पैसा बना सकते हो जैसे नॉर्मल रेफरल सिस्टम का यूज करके फ्रिज बिकवाते हो ना लोग के अमेजोन में भाई फ्रिज बिकवा दिया ये ग्लोब बिकवा दिया ऐसी चीजें बिकवा दी और उसमें आपको दस पंद्रह बीस पचास सौ रुपए मिल जाते हैं वैसे ही अगर आप किसी का प्लॉट बिकवाओगे तो वहां पे आपको बड़ा अमाउंट बिकेगा मिलेगा और प्लॉट बिकते ही कैसे ये रियलिटी है रियल स्टेट के मैं बता रहा हूं आपको समझ में आ गया तो इस ऐप का आप यूज कर सकते हो आप ट्राई कर सकते हो आपको बोलना आना चाहिए मैंने हमेशा बोला है कम्युनिकेशन स्किल नेटवर्किंग दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वालिटीज विच यू मस्ट हैव एंड यू मस्ट डेवलप बहुत जरूरी है उसके बाद उसका यूटिलाइजेशन यूटिलाइजेशन कम्युनिटी बिल्डिंग एंड द यूटिलाइजेशन ऑफ कम्युनिटी इज एक्चुअली अ टैलेंट और वो ही आजकल लोग करते हैं समझ में आ गया होगा मैं जो बोलना चाहता हूँ बाकी खुश रहो दिमाग लगाते रहो ग्रुप का लिंक पहले वाले कमेंट में मिलेगा ये पूरी सीरीज दस वीडियो की मैं बहुत जल्द लॉन्च करने वाला हूँ रियल स्टेट की जो उस ग्रुप में लोग हैं उनके लिए अवेलेबल हो जाएगी आप उस ग्रुप को ज्वाइन करो फ्री ग्रुप है और उस सीरीज को देख सकते हो आपको बहुत हेल्प मिलेगी ये चीजें ऐसी होती हैं जैसे स्टॉक मार्केट हो गया म्यूचुअल फंड हो गया ये इन्वेस्टमेंट्स हो गए रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट हो गई ऐसी चीजें होती हैं फाइनेंशियल प्लानिंग हो गई जो कि आप अगर सीख लेते हो ना आज तो वो आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहती है और आपके साथ ही नहीं लेगेसी में आगे जाती है और लोगों के साथ भी और बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे सर स्टॉक मार्केट का ऑफलाइन कोर्स लॉन्च करिए ऑफलाइन कोर्स जहां पे आपने सेंटर खोला है जयपुर में वहां लॉन्च करिए तो अगर आप लोग चाहते हो तो जरूर वो चीज भी हम करेंगे बट प्लानिंग है तो आपके ऊपर है अगर आप कुछ चाहत है उस चीज की तो जरूर वो चीज की जाएगी और जरूर हम लोग प्लान करेंगे कि ऑफलाइन आपको सामने से चीजें सिखाने की कोशिश करें बाकी खुश रहो मस्त रहो दिमाग लगाते रहो बाकी हम लोग हैं ही आपको चीजें दिमाग कैसे लगानी है वो सिखाने के लिए थैंक यू